प्रश्न ये नॉलेज ये ज्ञान कोटो में कोई ही समझते हैं व धारण करते हैं ऐसा क्यों ऐसा क्यों, क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में है नहीं क्योंकि ये जो ज्ञान है ये दुनिया की किसी किताब में नहीं किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं, नहीं। कोई भी मनुष्य इसको जानता नहीं परंतु कोटों में क्यों लेते सारे क्यों नहीं लेते क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो क्योंकि कहीं है नहीं फिर तुम सुनाते हो नई बातें तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है उससे हम इन आंखों से देख नहीं सकते सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और पावरफुल इतना है पावरफुल इतना है कितना पावरफुल है दुनिया वाले कहते वो सब कुछ कर सकता है परंतु नहीं परंतु वे भी मर्यादा में बंधा हुआ है ड्रामा में बंधा हुआ है वो भी सब कुछ नहीं कर सकता किसी भी बात को परिवर्तन नहीं कर सकता मतलब वो इतना सूक्ष्म है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते वो सर्वशक्तिमान है परंतु उसके लिए भी मर्यादा है क्योंकि वो उससे अलग नहीं चल सकता ड्रामा के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है तुम तो कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है तो सुनकर ही भगत मुझ जाते ये कैसे हो सकता है हमारा ये पांच फुट का राम और ये जो है ना कहते बिंदी ये कोई बात हुई हमारा कृष्ण इतना बड़ा जिसको अर्जुन की आंखें देख नहीं सकती बस करो बस करो और ये कहते हैं ना वो इतनी छोटी सी बिंदी जो दिखाई नहीं देता देख भी नहीं सकते देखने की सोच भी नहीं सकते इतनी शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है कहीं किसी ने आज तक बताई ही नहीं है इतना समय जो भक्ति किया वो खींचती है क्योंकि इतने समय से वो भक्ति करते आए वो खींचता कहता नहीं भाई हम हमारे बुजुर्ग ये कहते, है, कहते हैं हमारे शास्त्र इतने पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनते आए ये आज आकर के हमें बदलना चाहते हैं ये गपोड़े मारते हैं इनकी बात में विश्वास नहीं कर सकते वे खींचती है इसलिए जल्दी समझते नहीं कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे भाई हमें ऐसा बाबा मिला हम छोड़ कैसे सकते हैं हमें ऐसा बाबा मिला है हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है ये लो ब्रह्मा बाबा ने समझा कि मैंने नारायण बनना है ये लो ले लो भाई मेरे को विष्णु बना दे बस तेरे को ये चाहिए ना ले तन भी ले ले मन भी ले ले और धन भी ले ले बना दे तो ये नहीं पता था कि इसमें भी मेरे को कितना टाइम लग जाएगा